तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो का लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में 3 मैच की T20 सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसके पहले मैच में श्रीलंका मैच जीत के आ रही हुई। अगर दूसरे मैच की बात करें जहाँ पे बांग्लादेश कम बैक करते हुए सेकंड मैच जीता, तो यहाँ पे सीरीज में 1-1 बराबरी पे है। तब बात करते जो कि 9 मार्च को दोनों के बीच में तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। जो भी यह सीरीज में मैच जीतेगा वो ट्रॉफी उठाएगा। यह मैच आपको सिलेट के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो जहाँ पे 61% रहेगा और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 27% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 73% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 158 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 है। तो आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहाँ पे बांग्लादेश 5 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे श्रीलंका 10 मैच जीत के आ रही है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे बीरू भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी श्रीलंका का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे लास्ट गेम में टीम टारगेट सेव नहीं कर पाई और मैच हार गई। वहीं श्रीलंका की टीम इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है हर एक मैच में, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट में बांग्लादेश को हरा रही है। टीम में जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, टीम पुराने श्रीलंकाई टीम को याद दिला दी जो वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट थे। अब टीम को T20 में ऐसे ही परफॉर्मेंस करना हुआ। वहीं अगर बात करें जहाँ पे चरित असलंगा जो टीम के कैप्टन है, जो T20 सीरीज में ओपनिंग में जहाँ पे अविष्का फर्नांडो एंड कुशल मेंडिस खेल रहे हैं, वहीं नंबर 3 पर जहाँ पे कमिदु मेंडिस जो कि रन भी बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंगा जो कि पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, वहीं फॉर्मर जहाँ पे कप्तान एंजिलो मैथ्यू एंड दर्शन सनागा जो टीम में वापसी हुई। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे बॉलिंग में थोड़ी सी फेल चल रही है, जहाँ पे मैच थिक्स ना जो कि T20 टीम में ऐड किया गया है, वहीं टीम को न्यू बॉल से दिलशान मधुसंगा जो कि अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत होगी, जहां पे महेश पथिरा ने जो टीम को विकेट दिला सकते हैं, जहां पे बिनुरा फर्नांडो जो कि 8 साल बाद टीम में वापसी का मौका मिला। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में देखते हैं, जहां पे कुशल मेंडिस है, अविष्का फर्नांडो, कमिडो मेंडिस है, सदीरा समर विक्रमा है, चरित असलंका जो कि कप्तान है, एंजिलो मैथ्यू, दर्शन सनाका, महेश थिसना, दिलशन मधुशंका, मथीसा पथिराना और बिनु फर्नांडो। और कुछ की प्लेयर की बात करें जहाँ पे कुशल मेंडिस है, चरित असलंका, मथीसा पथिराना। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी बांग्लादेश का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम के कैप्टन की बात करें जो कि नजबुल संतनो है, जो कि ओपनिंग में लिटन दास एंड सौम्य सरकार जो कि अच्छा स्टार्ट भी दे रहे हैं। जहाँ पे लिटन दास ने मैच में बाहर थे, वहीं संतनो ने लास्ट गेम में 3 रन बनाए थे। वहीं अगर मिडिल ओवर में बात करें तो जहाँ पे टॉड हिडोई एंड मब्दुल्ला टीम के जो कि एक्सपेक्टर है, जहाँ पे जैकर अली टीम के विकेट कीपर है, वहीं बॉलिंग में जहाँ पे टाइगर स्ट्रॉन्ग दिख रही है और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, जहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान जो कि 1 विकेट लिए थे, जहाँ पे सरफराज इस्लाम जो कि अच्छे लाइन लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे तकसीन अहमद जो टीम के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 में देखते हैं, जहाँ पे लिटन दास है, सांतनो है, सौम्या सरकार है, तौहीद हिडोई है, मब्दुल्ला, जैकर अली, मेहदी हसन है, तकसीन अहमद है, सरफराज इस्लाम है, रिचार्ड हुसैन है, मुस्तफिजुर रहमान है। अगर कुछ की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पे नजमुल सांतो है, जैकर अली है, तकसीन अहमद है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर लिया, अब आगे बर्तन चलते विनर के हो। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच मैंने यहाँ पे बांग्लादेश से हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की टीम काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर श्रीलंका को हराकर सीरीज की ट्रॉफी भी लेकर जाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।